बानो जुलेखा, तुम हो रोदामोन? युजारसिफ की कोई खबर लाए? फिलहाल तो शहर में नहीं है। गोदामों की तामीर और जेरे काश्तराजी के जायजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं। दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहर से निपटने में मसरूफ है। गुज़िश्ता 5 बरसों में भी सिर्फ चंद बार वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारशात और मशवरे की गर्ज से तिप्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही युजारसिफ आए तो हमें बाखबर करें। वो भी एक मुद्दत से अल्तवा में पड़ी है बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है, सूफर से कह देते वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमी ने कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगेबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। खुफुर और सूफर को यहां बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर चक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज्जत मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूक कुलहाल बेवा से मुतालिक है कि जिसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही। अगर मेरे दिल में युजारसिफ की मोहब्बत की शमा रोशन ना हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में युजारसिफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। असर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सब को फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनान माबत को फारिग कर दें। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबत को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कस्ब का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा। Thank you.
यानी अब यहाँ कोई महाफिस नहीं है? नहीं, सिवाय रुदामून के सब चले गए। रुदामून अकेले तो इतने बड़े कसर की हिफाजत नहीं कर सकता ना। क्या मतलब? कसर का गोदाम कीमती अशिया से भरा पड़ा है, लेकिन मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकता। अगर कहीं बानो जुलेखा ने हमें भी फारिग कर दिया तो? मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाऊंगी। दुआ करो कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि इस कसर और बानो को कैसे छोड़ पाऊंगा। मुझे लगता है कि अब हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। निगहबान फौज में शामिल हो जाएंगे, काहिनान माबद आमून में पनाह ले लेंगे, हमारा ठिकाना कहाँ होगा? हम तो इसी कसर में पले बड़े हैं। दुआ करो कि ऐसा वक्त कभी ना आए। कोई खास काम है आली जनाब? हाँ, बहुत अहम और खास। मुझे मेनफीस में कुछ जरूरी काम अंजाम देने हैं। आप फौरन तिब्स जाएं और यह नामा जनाब अख्नातून के खिदमत में पहुंचा दें। हुक्म की तामील होगी। तो आप कब रवाना होंगे? आज ही, नील के रास्ते कश्ती से जाऊंगा। खुदा निगहदार। मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। बर्बाद हो गया जनाब रुदामुन, खुदाओं की कसम मैं मुकसर नहीं हूँ। मैं अब बानो जुलेखा से क्या परेशान मत हो। अगर उन्हें पता चल गया तो वो यकीनन मुझे सजा देंगे। तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है ना? क्या मसला है, यहाँ क्यों जमा है? अंबार खाना लूट लिया गया बानो। मैं सुबह जब गोदाम गया तो तमाम चीजें गायब थी। अब क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब क्या है रुदामुन? आज तक हमारे कसर में कभी चोरी नहीं हुई, आप क्या कह रहे थे? मैंने अर्ज किया था बानो,
निगहबानों को नहीं निकालना चाहिए था। इतने बड़े कसर की हिफाजत में अकेला नहीं कर सकता बानो। सब कुछ चुरा के ले गए। अगर मुझे पता चल जाए कि किसका काम है, मैं उसे नाबूद कर डालूंगा। मैं तो बर्बाद हो गया। वावेला मत मचाओ, जो होना था सो हो गया। अब यूं शोर मचाकर तुम अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। इताद बानो, इताद। जल्दी करो, वो पूरी चमगादड़ आती होगी। अच्छा अच्छा, बस आया। इन बर्तनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ये तो बानू को बहुत पसंद है, ये मत लो, ये सही बात नहीं है। ये हमारी बरसों की खिदमतों का सिला है। बानू अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो इन सब का क्या करेंगी। बानो, आपके जवाहरात में से कुछ कम तो नहीं है? हाँ सच्चे मोतियों की माला नहीं है। मैं समझ गई कि ये किन का काम है, मुझे उनको रोकना होगा। रुक जाओ रुदमून, रोको इन दोनों को। कहाँ चली? ये क्या छुपाया हुआ है? मेरी उम्र भर की मोहब्बतों और इनायतों का ये सिला दिया तुमने? तुम्हें तो इतने कोड़े पड़ने चाहिए कि वही खत्म हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए जिंदान में डाल दिया जाए। दोनों बड़ी अहमक खिदमतगार हो। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफी क्यों नहीं मांगी थी ताकि वो उन्हें माफ करे? अपने किए की माफी मांग लो ताकि बानो बख्श दे। हमें बख्श दीजिए बानो। हम माफी चाहते हैं बानो हुजूर। बानो हम इंतजार करते हैं, हमें बख्श दीजिए। हमें बख्श दीजिए बानो हुजूर। बानो हमसे गलती हो गई। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो खुद को मार डालती या जाकर नील में डूब मरती। इससे कबल कि मैं कोड़े मार मार के तुम दोनों की जान ले लूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। हम उन आपको सलामत रखें। हम उन आपको सलामत रखें। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जुलेखा के दर्द क्या कम थे जो हर रोज आसमान से एक नई आफत नाजिल हो जाती है। कभी अंबार खाना लूट लिया जाता है तो कभी जर्रो जवाहरात चुरा लिए जाते हैं, और ना जाने कल जब से शेख उरनोश का गोदाम लूटा गया है, इन बिचारों की हालत तो मजीद बदतर हो गई है। सुना है कि यूजासीफ के हुक्म के मुताबिक जो शख्स भी जिस जमीन पर काश्तकारी करेगा वो बदतरीज उसका मालिक हो सकता है। जी ऐसा ही है,
और जितनी ज्यादा मकदार में गंदम हुकूमती गोदाम में जमा करवाएंगे उसी मुनासबत से अखनातून की जमीनों के मालकाना हुकूक हासिल करते जाएंगे। तो क्या मैं एक अशराफ जाती होकर बिल्कुल जनाबी युजासिफ की तरह सखी नहीं हो सकती? आज से आप सब लोग आजाद हैं और मैं अपनी तमाम इमलाक, गंदुम, कपास और नर्सल के तमाम खेत आप सबको बख्शती हूँ। पास कुछ नहीं जिससे आप लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। इन जमीनों पर काश्तकारी कीजिए और उसकी आमदनी से अपने अहले खाना का बंदोबस्त कीजिए। हम बानों की इस लुत्फ व इनायत को हरगिज फरामोश नहीं करेंगे। खुदाओं की रहमत हो आप पर, हमेशा खुदाओं की हिफाजत में रहे, आपका इकबाल बुलंद हो, सलामत रहिए बानों। क्या आशिक को नहीं चाहिए कि अपने माशूक के रंग में ढल जाए? अगर युजासिफ खुद को मोहताजों का खादिम समझता है तो सुलेखा क्यों ना समझे? अगर वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता तो सुलेखा क्यों चाहे? आपकी कुल पूंजी यही इमलाक थी। मैं इन जमीनों का क्या करूंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस कसर को भी बख्श दूंगी। मैं खुद इन जमीनों की देखभाल नहीं कर सकती और इन बेचारों को भी भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। तो फिर बेहतर यही है कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजारें। और हमारा क्या होगा? हम खुद जाएं भूख से मर जाएं? हमारे लिए काफी मौजूद है, हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या हुआ, यहाँ सब क्यों जमा है? आप कहा थी बानो, एक खादिम जिसने जेरे लिबास को छुपाया हुआ था यहाँ से बाहर जाते हुए देखा गया है। हम सब उसके पीछे भागे लेकिन वो फरार हो गया। पता नहीं चला क्या ले गया। मैंने देखा था बानू, गालिबन आपके कुछ लिबास वगैरह थे। तो ये रुदम? अरे हाँ, रुदम तो मेरे साथ मुलिका सेन में था। वैसे इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी? जब इन्हें जलवा नुमाई करके युजासिफ की तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल करना चाहिए था तो नहीं कर सके, सो मुझे इनकी जरूरत भी नहीं। पहनूं भी तो किसके लिए? अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अब कसर में मेरी जरूरत नहीं रही और मेरी यहां मौजूदगी बेकार है। मैं एक सिपाही हूं बानो, और फौज में रहकर बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दे सकता हूं, जबकि अब यहां मेरी मौजूदगी गैर जरूरी महसूस होती है। लेकिन हमें तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मेरा यहाँ से दिली ताल्लुक है, मैं हर रोज आपकी खबरगिरी को आता रहूंगा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप मुनासिब समझे।
पयाम्बर खुदा से कुछ और तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशन गोईयां तहक्कुक पाएंगी। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमारवा, 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनातून में जनाब युजार सीफ ने फरमाया था, काहिनान गंदुम की जखीरा अंदोजी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसमें मरकूम है कि गंदुम की जखीरा अंदोजी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदुम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमारवा, कहीं खराब शुदा गंदुम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया। अगर गंदुम खराब हो गई है तो आवाम को इस अजीम नुकसान का इल्म होना चाहिए। पहले हमें खामोशी के साथ ये देखना होगा कि कब वो खराब शुदा गंदुम को तल्फ करते हैं। हाँ, ये सच है आली जनाब, तमाम गोदामों का जायजा लिया गया है, तमाम की तमाम गंदुम खराब हो गई है और बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। तो गोदामों के मामूरीन क्या कर रहे थे, हमें खबरदार क्यों नहीं किया ताकि कुछ हद्दबाप किया जाता। जखीरों के ये गोदाम तो परसों पहले ही सरबमोहर कर दिए गए थे और तय ये पाया था कि अब कहत के आगाज में ही इन्हें खोला जाएगा। ये तो इत्तफाक से पता चल गया। अलबत्ता अफसोस के हम ये नहीं जानते थे कि गंदुम 2 साल से ज्यादा दवाम नहीं पाती। और जखीरा शुदा गंदुम को खराब हुए भी 2-3 साल गुजर गए हैं। तो क्या आप बिल्कुल भी काबिल इस्तफादा नहीं रही? जी बिल्कुल भी नहीं रही। इंसानों के लिए तो दूर की बात है आली जनाब, जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। सबको दरिया बोझ कर दो, लोगों को कानों कान खबर ना होने पाए। और खैर रहे, मामूरीन हुकूमत किसी तौर भी मुतवज्जो ना हो, अगर युजार सीफ को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो हम सबको जलील व ख्वार कर देगा। रात की तारीकी में नहायत खामोशी से सबकी सब दरिया बुर्द कर दो। ये लोग गंदम को नील में क्यों डाल रहे हैं? सतिया गए हैं। इस वक्त जबकि सब लोग गंदम की जमावरी की फिक्र में हैं, ये अमल अजीब है। आली जनाब और अबहूब शर्फ बारिया भी चाहते हैं। अपनी बेवक्त आमद पर माजरत ख्वाह हूं। लंगरगाह के मामूरीन ने खबर दी है कि काहिना ने माबद गंदुम को नील में डाल रहे हैं। मैंने सोचा मुमकिन है ये खबर आपके लिए अहम हो,
यकीनन अहम है, बल्कि बहुत ही अहम है। हाजिब मालिक मुशीर जनाबे जुजार सीफ को मेरे पास भेजो। लोगों को काहिना ने माबत के इस इकदाम का गवाह होना चाहिए। गोया जनाबे जुजार सीफ अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पेशन गोई के तहकुक पाने का यही वक्त है। हाजिर खिदमत हूँ जनाब फरमानरवा। अभी अभी जनाब हुरम हूँ खबर लाए हैं कि काहिनान माबत की गंदम को दरिया नील में डाल रहे हैं। फौरन चंद अफराद के साथ तिब्स के लंगरगाह जाइए ताकि वो इस माजरे के यानी शाहिद रहे। ये बेहतरीन मौका है। हम चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि अरबाब माबत लोगों की मेहनतों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। पेशिन गोई जनाब युजार सिर्फ कितनी सच साबित हुई है। मालिक जल्दी जाओ, अब देखना है कि क्या करते हो। ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? गंदम नील में क्यों फेंक रहे हो? तुम लोग अवाम के हमदर्द हो या अवाम के दुश्मन हो? मिस्र को तवील कैद का सामना है। वाय हो हम पर, आज तो बड़े बुरे फंसे। अब तो समझो इज्जत गई। अब तो अमून ही हम पर रहम करे। जनाब युजार सीफ ने जो पेशन गोई की थी वो सच साबित हुई। चलो जल्दी चलो कि अब मुझ में इनकी सवाल या निगाहों की ताब नहीं। जल्दी चलो। गंदम तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस सारी गंदम को तो घुन लगा हुआ है। इस बहरान के आलम में आप लोग आवाम की मेहनतों को क्यों जाया कर रहे हैं? गोदामों में जखीरा करदा तमाम गंदम खराब हो चुकी है और अब ये उसे जाया करने पर मजबूर है। अलबत्ता लोगों के खौफ से रात की तारीकी में खुफिया तौर पर कार्रवाई की जा रही है। गंदम को मुलाहिजा कीजिए, क्या काहिनान माबत को अवाम का खादिम नहीं होना चाहिए? देखिए यह है खिदमत के मानी। यह गंदम कहत के जमाने में कितने लोगों की निजात का सामान करेगी? यह गंदम कितने ही काश्तकारों की मेहनतों का समर है और वो इसके हुसूल के लिए कितनी जहमतों से गुजरे होंगे। यह है दुरुस्त और महफूज जखीरा साजी से लाइल्मी का नतीजा। माबद आमून के काहिनान बजाय इसके के आवाम की और कहत से निजात की फिक्र में होते सिर्फ अपने पेटों को भरने और लोगों की मेहनतों को जाया करने में लगे हैं।
نفرین ہو کہنان محبت پر ایک بار پھر ذلت رسوائی تعبیر خواب والے قصے کے بعد یہ دوسری بار ہے کہ یزار سی معبد آمون کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنا ہے آپ کو معلوم ہے معبد کے گندم کے ذخائر پر جو آفت آئی ہے وہ معبد پر لوگوں کے اعتقاد کو کس قدر متزلزل کر دے گا یہ ایک جنگ ہے اگر یزار سیف سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی ہوتی تو ہم بھی اسے ہرگز معاف نہیں کرتے آفرین صد آفرین اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے یزار سیف کو بھی تو اسی نقصان کا سامنا ہوا ہوگا جو ہمیں درپیش ہے میں نے اب بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا لوگوں سے کہیں کہ اگر معبد کو گندم کی ذخیرہ اندوزی میں ناکامی ہوئی ہے تو بھلا یزار سیف کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اگر معبد کے گندم کے ذخائر 5 سال کی مدت میں خراب ہو گئے تو 7 سال میں تو ان کے ذخائر کو مزید خراب ہو جانا چاہیے اگر ذخیرہ سازی غلط ثابت ہوئی ہے تو پھر یزار سیف وہی غلطی کیوں کر رہا ہے فرما رہا ہے اس طرح تو یزار سیف نے جس تیر سے ہمارا نشانہ لیا ہے اس تیر سے ہم اس کا نشانہ بھی لے سکتے ہیں عوام کی کثیر تعداد وہاں جمع ہو گئی ہے اور معبد کی اس نااہلی پر نہایت مشتعل ہے اور کاہنوں کو کاشتکاروں اور محنت کشوں کی محنتوں کو برباد کرنے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اگر ہم حائل نہ ہو جاتے تو شاید وہ لوگ کاہنوں پر ٹوٹ ہی پڑتے وہ تو ظاہر ہے عوام اپنی محنتوں کو یوڑائیگا ہوتے نہیں دیکھ سکتی فی الوقت گندم بہت اہمیت کی حامل ہے آپ لوگ عوام کو معبد آمون کے خلاف بھڑکا کر خوش ہو رہے ہیں ہاں تو کیوں خوش نہ ہوں آمون ہمارا دشمن ہے ظاہر ہے کہ دشمن کی شکست سے ہمیں خوشی ہی ہوگی 3000 سال سے مردم مصر آمون کی پرستش کر رہے ہیں بہت سو نے چاہا کہ آمون کو اس کے مقام و منزلت سے گرا دیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے تم بھی نہیں ہو سکو گے محترم بانوتی عوام بہت مشتعل ہے اور معبد کی ذخیرہ اندوزی پر اعتراض کر رہی ہے اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہی اعتراض کاہنہ نے معبد کی جانب سے یزار سیف کی ذخیرہ سازی پر بھی کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے میں نے پہلے بھی یہ سوال یزار سیف کے سامنے رکھا تھا مجھے یقین ہے کہ وہ جو امور بھی انجام دیتے ہیں اس کے لیے ٹھوس جواز رکھتے ہوں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب یزار سیف نے دانستہ لوگوں کو گندم جمع کرنے کا مشورہ کیوں دیا اور اب وہ لوگوں کے ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ یزار سیف کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا وہ اپنے ہر عمل کا جواز رکھتا ہے یہ ناممکن ہے تو کیا یزار سیف نے جو گندم ذخیرہ کی ہے وہ اب تک خراب نہیں ہوئی ہے معلوم نہیں اور میرے لیے یہ بات کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی میں تو بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یزار سیف تبس آیا یا نہیں اس کی کوئی خبر نہیں ملی نہیں بانو اب تک ہمیں کوئی خبر نہیں ملی ابھی تک تو وہ تبس واپس نہیں آئے بانو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تبس آئے اور میں یوں ہی بے خبر رہ جاؤں آپ پریشان مت ہوں بانو یقیناً وہ تبس آئیں گے تو ہمیں ضرور خبر ہو جائے گی اور ہم آپ کو فوراً خبر کر دیں گے یقین رکھیے ہم پر یقین رکھیے بانو مطمئن رہیے میں یزار سیف سے والہانہ محبت کرتی ہوں اسے دیکھنے کے لیے پل پل گن رہی ہوں مجھے اسے ملنا ہے تو آپ منفیس کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اگر جناب فرما روا اجازت فرمائیں ہمیں جناب یزار سیف کی بہت یاد آ رہی ہے انہیں تبس کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجیے گا کہ فوراً تبس واپس آ جائیں جی ہاں نہایت ضروری امر کہیے گا کہ جناب فرما روا نے انہیں یاد فرمایا ہے لہذا فوراً تبس واپس آ جائیں اطاعت عالی جناب
उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने उनके लिए क्या साजिश की है।